मैं हूं सानिया एग्रीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर किताब प्रकाशित करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल 39 वर्षीय आनंद केशव सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है और ये आरोप लगाया है कि आलोक तिवारी नाम के व्यक्ति द्वारा बिना किसी आधिकारिक अनुमति के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात पर किताब प्रकाशित करने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि किताब मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी की जाएगी। इसी दौरान आलोक तिवारी किताब के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहा था। उसने 4000 रुपए से अधिक चंदा इकट्ठा किया था और किताब के नाम पर कई लोगों से ठगी की है। इसकी शिकायत उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 से की है। शिकायत के आधार पर अधिकारी आगे की जांच में जुट गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ था। कंप्लेंट का ऐसा कहना था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे जो उनका एक प्रोग्राम अभी रन हो रहा है मन की बात, उन प्रोग्राम के आधारित एक एजेंसी है अभ्युदय वात्सल्यम, ये एजेंसी यानी वो जो मैगजीन छापती है ऐसी एजेंसी, उनके मन की बात ये प्रोग्राम के आधारित एक सार ग्रंथ प्रसारित करना चाहती है और उस सार ग्रंथ का प्रकाशन ऑनरेबल राष्ट्रपति जी इनके हाथ से 2023 में उनके हाथ से ये पुस्तक का ओपनिंग करना, ऐसा सब लोगों को बता के निधि इकट्ठा करने का प्रयास ये मैगजीन कर रहा था। कल हमने ये कंप्लेंट के आधार पे उन पर गुना रजिस्टर किया है 420-34 ये IPC सेक्शन के अंतर्गत। इनमें जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी, इसमें ये मैगजीन के जो एडिटर है वो बहुत से बड़े इंडस्ट्रीस्ट और बहुत से लोगों को ये प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे और उनके माध्यम से एक बुक प्रकाशित करने के और राष्ट्रपति महोदया के हाथ से उसका प्रकाशन करना, ये पूरा गलत इन्फॉर्मेशन उनको बता के उनके नाम से पैसे इकट्ठा कर रहे थे।